रहीम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। और अगर आप इस्तिखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या कोई मसला कोई परेशानी है तो अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको मैं अमल और वजीफा बताऊंगी, जरूर कीजिएगा। अपने प्यारों को मिलाने के लिए मोहब्बत का ये वजीफा जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, जरूर एक दफा सुनिएगा, हो सकता है आपकी ये काफी मदद कर सके। चलिए हदीस की तरफ चलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी जुबान में बात करते सुना? याद रखो क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नजर में सबसे बुरे होंगे जिन लोगों ने अपनी बुरी जुबान को इस्तेमाल किया। उनकी जो फाहिश जुबान ही सबसे बड़ा गुनाह है। दुआ करो कि सब इस चीज से महफूज रहें। अच्छे अल्फाज दिलों को जिंदा करते हैं, बुरे अल्फाज हमेशा दिलों को फाड़ के रख देते हैं, तोड़ देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चोट लगती है या कोई आपको कट लगता है वो भी अल्लाह पाक जो है भर देते हैं, लेकिन जुबान के लगे हुए जो तकलीफ होती है या जख्म होते हैं या फट होते हैं या कोई कट होते हैं तो वो कभी भी जो ठीक नहीं हो सकते। आप इन चीजों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। अच्छी जुबान जो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। हमारी वीडियो को आगे जरूर पहुंचाया करें ताकि औरों का भी भला हो सके। आज जो वजीफा आपको मैं बताने लगी हूँ बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब है। जैसे मैंने आपको बहुत से ऐसे वजीफे बताए जो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपसे कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वाज़े आप कुछ चीज़ें आपको बताने लगी हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, उसके बाद आपको वजीफा भी मैं बता देती हूँ। आप देखें कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, कभी उससे के बारे में अलहदा होके किसी और से पूछें कि वो किस आपके बारे में क्या सोचता है। नंबर 1, अपने दोस्त की पहचान। अगर दोस्त गरीब हो ना तो वो दिल का बहुत अमीर होता है, जो अमीर हो ना वो दिल का बहुत छोटा और गरीब होता है। ये दोस्तों में, मोहब्बतों में, अपने प्यारों में पहचान होती है। मुश्किल के वक्त काम आने वाला वो ही आपका प्यारा सबसे आपके नजदीक होता है। एक जो आपकी चुगली, बुराई, बखेली और इस तरह का कभी आपने उसके मुंह से सुना ना हो, कभी आपने उसके मुंह से या किसी और के मुंह से आपके बारे में उसने कुछ गलत कहा हो तो आपको पहचान हो जाती है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अच्छे दोस्त को पहचानने के लिए, अच्छे बहन भाई को पहचानने के लिए एक लम्हा काफी है। ना पहचान के लिए पूरी जिंदगी भी गुजर जाए तो कभी पहचान नहीं होती। अच्छा दोस्त हमेशा आपको मुश्किल में आपका साथ देता है, बुरा दोस्त हमेशा जो है आपकी मुश्किल में मजाक करता है या आपको गलत मशवरे देता है या फिर आपको उस चीज से हटा देता है। तो ये पहचान होती है। आप जिससे भी प्यार मोहब्बत रखते हैं, अगर उसकी तड़प आपको महसूस नहीं होती या सामने वाला उसकी तड़प को महसूस नहीं कर सकता तो फिर उस प्यार का क्या फायदा, उस मोहब्बत, उस चाहत का क्या फायदा। बड़ों की बात बहुत नायाब है कि किसी ने कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। किसी ने पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, आया तुम्हारे दिल में मेरी क्या इज्जत है, क्या मुकाम है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत रखते हो। सामने वाले ने कहा कि अपने दिल से पूछ, जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जितनी तुम मुझसे प्यार करते हो, उतनी ही मैं तुमसे करता हूँ। तो अगर किसी की पहचान करनी हो ना कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आप अपने दिल की तरफ देखिए कि आप कितनी करते हैं, वाजे आपको नजर आ जाएगा कि वो आपसे कितनी करता है। अतले का बदले है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया ना, ठीक है। तो आप खुद को पता लग जाएगा कि कोई कि आपसे कितनी मोहब्बत कर। आज का बहुत प्यारा वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ। छोटा सा अमल है, अगर आप ये कर लेते हैं यकीन माने कि आपको कभी भी किसी और अमल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये जुमे रात वाले दिन पीर वाले दिन, जुमे वाले दिन आप ये अमल कर सकते हैं। कुरान पाक में सूरह यासीन, यासीन के आखिर से लेके जो है शुरू से लेके आखिर तक कई दफा मुबीन आती है। ठीक है, आपने एक ही दफा सूरह यासीन पढ़नी है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 3 मुबीने आपने इस्तेमाल करनी है। सूरह यासीन में जब पहली मुबीन आती है उसके बाद आपने फिर सूरह यासीन शुरू कर देनी है, फिर दूसरी मुबीन आनी है, फिर आपने सूरह यासीन शुरू कर देनी है। तीसरी मुबीन जब आएगी, पूरी यासीन सूरत नहीं पढ़नी, तीसरी मुबीन पर भी शुरू से सूरह यासीन पढ़ें, मुबीन तक आके पूरी सूरह मुबारक पढ़ लें। दोबारा एक दफा सुन लें कि जब आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, ठीक है, यासीन के बाद जब आप पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें फर्स्ट मुबीन, पहली मुबीन पे आप रुक जाएं, फिर ऊपर से शुरू कर दें। दूसरी भी ऐसे करें, दूसरी मुबीन जब आप ऊपर से शुरू करेंगे तो पहली मुबीन भी निकल जाएगी, फिर दूसरी मुबीन आ जाएगी, फिर दूसरी मुबीन पे रुक जाएं, फिर यासीन सूरह शुरू कर दें, फिर तीसरी मुबीन पे यासीन सूरह पूरी पढ़ लें। ये तरीका है। आखिर में जो लफ्ज आएगा, पूरी जब यासीन सूरत पढ़े होंगे, लास्ट में एक लफ्ज आता है कुन फयाकुन। तसव्वुर में रख के, नियत आपकी पहले से हो कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हो, तसव्वुर में रख के आपने कुन दुआ मांगनी है, जो भी दिल में दुआ। ये वजीफा वो लोग कर सकते हैं जिनके अपने प्यारे उनसे नाराज हैं। कोई शोहर और हस्बैंड वाइफ का मसला, मियां बीवी का मसला है, वो कर सकते हैं, बेशक वो मुल्क से बाहर ही क्यों नहीं। अपनी मोहब्बत में पागल दीवाना किसी अपने प्यारे को करने का ये वजीफा है। चाहे सास ससुर के लिए, ससुराल के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे तो ये दुआ करें मुबीन पढ़ के, तो इंशाल्लाह आप यकीन माने कि हफ्ता भी नहीं गुजरेगा तो रिश्ता आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल कामिल करके पढ़ें। और पढ़ने का जो वक्त है, मगरिब एक दिन का वजीफा है, जरूर कीजिएगा। इतनी मोहब्बत प्यार आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। कोई शादी का मसला है, कोई आपसे जो है आपने किसी के घर पैगाम भी जो है वो मतलब कि नहीं मान रहा, उसके लिए वजीफा करें, आपकी दुआ फौरन कबूल होगी। एक दफा दिल से वजीफा करें तवक्कल कामिल करके, इंशाल्लाह। अगर कोई मसला है, कोई बड़ा मसला है, परेशानी है, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज की आपको जरूरत है तो जरूर आप करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।